बचपन में हम सबका दिमाग जैसे नया होता था और दिमाग की याददाश्त बहुत ही तीव्र होती थी। वैसा ही दिमाग अब भी तुम पहले जैसा कर सकते हो। इसके लिए दिमाग की नकारात्मकता की धुलाई करनी होगी। और दिमाग को खाली कैसे करना है, इसी के पीछे एक आसान उपाय छुपा है। वही उपाय हम आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के एक गांव में तीन युवा महिलाएं माया, रीना और लीला के साथ अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। उनमें से प्रत्येक के सपने और आकांक्षाएं थीं, लेकिन वे नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह से जूझ रहे थे, जिसने उनके दिमाग को धुंधला कर दिया था। अपनी बाहरी परिस्थितियों के बावजूद वे सभी सफलता और खुशी के लिए तरस रहे थे। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति उनके गांव में आया। वह अपने गहन ज्ञान और व्यावहारिक शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। तीनों महिलाएं और लड़के उनसे सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने दिमाग से नकारात्मकता को दूर करने और एक सफल मानसिकता विकसित करने के बारे में उनका मार्गदर्शन मांगा। बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया और एक ऐसी कहानी साझा करने का फैसला किया जो उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। वह शुरू किया। एक समय की बात है, यहां से बहुत दूर एक हलचल भरे शहर में रवि नाम का एक प्रतिभाशाली संगीतकार रहता था। वह अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, जो सुनने वाले सभी के दिलों को छू जाती थी। हालांकि अपनी प्रतिभा के बावजूद रवि आत्मसंदेह और विफलता के डर से भरा हुआ। वह अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए संघर्ष करता था और अक्सर खुद को नकारात्मक विचारों से पंगु पाता था। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कहानी जारी रखी, माया, रीना, लीला और अर्जुन ने स्पंज की तरह हर शब्द को ध्यान से सुना। फिर एक दिन रवि की मुलाकात एक प्रबुद्ध गुरु से हुई, जिन्होंने उसे एक मूल्यवान शिक्षा दी। गुरु ने रवि से कहा कि सफलता की कुंजी व्यक्ति के दिमाग को सभी सीमित विश्वासों और नकारात्मक विचारों से खाली करने में निहित है। उन्होंने समझाया कि हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। यदि हम इसे संदेह और भय के खरपतवार से भर देते हैं, तो हम कभी भी सफलता और खुशी के फूल नहीं उगा सकते। तीनों महिलाएं और लड़का इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी अपने दिमाग में नकारात्मकता के बीज भर रहे हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को खिलने से रोक रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से प्रेरित होकर माया, रीना, लीला और अर्जुन ने आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने ध्यान करने, अपने विचारों को लिखने और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करने में दिन बिताए। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने अपने दिमाग से आत्मसंदेह और नकारात्मकता को खाली करना शुरू कर दिया और उसकी जगह आत्मविश्वास और सकारात्मकता की पुष्टि ले ली। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में गहरा बदलाव देखा। एक बार अपर्याप्तता के विचारों से त्रस्त माया को अपनी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन का पता चला। रीना, जिसे अपनी रचनात्मक क्षमताओं पर संदेह था, ने कला के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने का साहस पाया। जोखिम लेने से डरने वाली लीला ने उत्साह के साथ नई चुनौतियों को स्वीकार किया। और अर्जुन, जो आत्ममूल्य के साथ संघर्ष कर रहा था, उसने खुद को महत्व देना सीखा कि वह वास्तव में कौन था। महीने बीत गए और तीनों महिलाओं और लड़के में परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और आंतरिक शांति की गहरी भावना झलकती है। गांव के लोग उनकी नई चमक से आश्चर्यचकित हुए और एक सफल मानसिकता विकसित करने के बारे में उनसे ध्यान मांगा। दूर से देख रहा बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति अपने द्वारा किए गए परिवर्तन पर गर्व से मुस्कुराया। वह जानता था कि माया, रीना, लीला और अर्जुन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे विश्वास था कि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और अपने सपनों को हासिल करने की राह पर हैं। जैसे ही गांव में सूरज डूबा, तीनों महिलाएं और लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के पास इकट्ठा हो गए, जो उसने उन्हें दी गई अमूल्य सीख के लिए कृतज्ञता से भर दिया। वे अब समझ गए कि सफलता की कुंजी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनके दिमाग से नकारात्मकता को खाली करने और सकारात्मक और लचीली मानसिकता को विकसित करने में है। और इसीलिए माया, रीना, लीला और अर्जुन की यात्रा जारी रही, चुनौतियों और जीत से भरी, लेकिन उनके नए ज्ञान की रोशनी और इस विश्वास से निर्देशित,
कि सही मानसिकता के साथ कुछ भी संभव है। कहानी का सार स्पष्ट था, सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने दिमाग से नकारात्मकता को खाली करना होगा और सकारात्मकता, आत्मविश्वास और लचीलेपन से भरी मानसिकता विकसित करनी होगी, क्योंकि मन के बगीचे में केवल वे बीज ही सफलता के फूल खिल सकते हैं जो विश्वास के साथ बोए जाते हैं और दृढ़ता से सींचे जाते हैं। तो दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। तुलसीदास की यात्रा मन की शून्यता सफलता की ओर ले जाती है। प्राचीन शहर वाराणसी में तुलसीदास नाम का एक युवक रहता था। वह छोटी उम्र से ही अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। तुलसीदास हमेशा जीवन और उसके रहस्यों के बारे में उत्सुक रहते थे। अपने आसपास की दुनिया को समझने की, अपनी प्यास बुझाने के लिए लगातार ज्ञान की तलाश में रहते थे। अपनी स्वाभाविक बुद्धि के बावजूद तुलसीदास अत्यधिक सोचने और चिंता से जूझते रहे। उसका दिमाग चिंताओं और शंकाओं से भरा हुआ था, जिससे उसे अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में बाधा आ रही थी। समाधान खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित तुलसीदास देश के बुद्धिमान संतों और गुरुओं से मार्गदर्शन लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। तुलसीदास ने अपने दिमाग से अनावश्यक विचारों को खाली करने और एक सफल मानसिकता प्राप्त करने की कुंजी खोजने की उम्मीद में दूर दूर की यात्रा की, प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षकों और विद्वानों से मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रत्येक मुठभेड़ से मूल्यवान सबक सीखे, लेकिन जिस स्पष्टता की उन्होंने तलाश की थी वह उनसे दूर होती रही। एक दिन तुलसीदास ने एक साधु के बारे में सुना जो एक रहस्यमय जंगल के बीचों बीच रहता था। किंवदंती है कि इस साधु के पास मन के रहस्यों को खोलने और व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाने की बुद्धि थी। उत्सुकतावश तुलसीदास ने साधु के निवास तक पहुंचने के लिए घने जंगलों और दुर्गम इलाकों के माध्यम से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद तुलसीदास आखिरकार साधु के सामने खड़े हो गए, एक शांत व्यक्ति जिसकी आंखों में युगों का ज्ञान समाहित था। विनम्रता के साथ तुलसीदास ने अपनी आंतरिक उथल पुथल और मन की स्पष्टता और उद्देश्य की खोज को साझा किया। साधु ने ध्यान से सुना और फिर बोला, अपने दिमाग को खाली करने और सफलता पाने के लिए तुम्हें जाने देने की कला सीखनी होगी। हैरान होकर तुलसीदास ने पूछा, पूज्य ऋषि, मुझे क्या छोड़ना चाहिए? साधु जानबूझकर मुस्कुराया और उत्तर दिया, अपने डर को जाने दो, अपने संदेह को जाने दो, अतीत के प्रति अपने लगाव को दूर करो और भविष्य के बारे में चिंता करो। अपने दिमाग को उन सभी चीजों से खाली कर दो जो तुम्हारे सर्वोत्तम हित में काम नहीं करती हैं। वर्तमान को गले लगाओ, कृतज्ञता से भरे हृदय और स्वीकृति की भावना के साथ क्षण। इन शब्दों से तुलसीदास को अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सफलता की कुंजी अधिक ज्ञान या संपत्ति जमा करने में नहीं, बल्कि अपने विचारों को सरल बनाने और अपने आंतरिक स्व से जुड़ने में है। साधु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर तुलसीदास ने स्वयं को सावधानी और सादगी के जीवन के लिए समर्पित कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, तुलसीदास ने अटूट समर्पण के साथ ध्यान, चिंतन और आत्मचिंतन का अभ्यास किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसने महसूस किया कि उसकी पुरानी चिंताओं और भय की जंजीरें उसके दिमाग पर अपनी पकड़ ढीली कर रही हैं। लंबी रात के बाद भोर की पहली किरण की तरह स्पष्टता उस पर हावी हो गई। एक दिन जब तुलसीदास एक पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्हें एक गहन अनुभूति हुई। वह समझते थे कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि स्वयं के भीतर पाई जाने वाली शांति और संतुष्टि से मापी जाती है। सच्ची सफलता, तुलसीदास ने सीखी, विकर्षणों से गाली और उद्देश्य और सकारात्मकता से भरे मन से उत्पन्न होती है। इस नए ज्ञान से लैस होकर तुलसीदास अपने गृह नगर वाराणसी लौट आए, जहां उन्होंने अपनी यात्रा और अंतर्दृष्टि उन सभी के साथ साझा की जो सुन रहे थे। दूर दूर से लोग उस परेशान युवक की शिक्षाएं सुनने के लिए आते थे, जो अब प्रेरणा और आशा का प्रतीक बन गया था। तुलसीदास के शब्द उन सभी के दिलों में गहराई से गूंज गए जिन्होंने उन्हें सुना, दिलों को छू लिया और अनगिनत आत्माओं के भीतर परिवर्तन की चिंगारी प्रज्वलित कर दी। एक सफल मानसिकता हासिल करने के लिए दिमाग को खाली करने का उनका संदेश जंगल की आग की तरह फैल गया, जीवन बदल गया
और एक उज्जवल अधिक प्रबुद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इसलिए तुलसीदास साधक जो आर्षी बन गए ने अपने दिन शांति और पूर्णता में बिताए, ये जानते हुए कि सच्ची सफलता इसमें नहीं है कि कोई क्या हासिल करता है, बल्कि इसमें है कि वह क्या छोड़ता है। उनकी कहानी एक कालजयी किंवदंती, आंतरिक स्पष्टता की शक्ति और एक सफल मानसिकता की यात्रा का प्रमाण बन गई। तो दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक गांव में एक रमण नाम का एक युवक रहता था। रमण का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और दुनिया में कुछ बड़ा करने के उनके बड़े सपने थे। हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे अक्सर उन्हें निराशा और हारा हुआ महसूस होता था। अपने विरुद्ध खड़ी बाधाओं के बावजूद रमण सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए कृतसंकल्प थे। एक दिन जब रमण एक पार्क के एक शांत कोने में बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। उस आदमी के पास बुद्धिमान आंखें थीं जो रमण की आत्मा की गहराई तक देख सकती थीं। जब वह आदमी बोलना शुरू किया तो उत्सुकतावश रमण ने उसकी बात सुनी। बेटा, मैं तुम्हारे कंधों पर दुनिया का भार देखता हूं। महानता हासिल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना दिमाग खाली करना सीखना होगा, आदमी ने धीरे से कहा। रमण उस आदमी की बातों से हैरान था। मेरा दिमाग खाली कर दो, लेकिन कैसे? उसने पूछा। वह आदमी जानबूझकर मुस्कुराया और रमन को पानी से भरा एक छोटा गिलास जार दिया। यह जार आपके दिमाग का प्रतिनिधित्व करता है। पानी संदेह, भय और विकर्षणों का ढेर है जो आपके विचारों को ढक देता है। अपने मस्तिष्क को खाली करने के लिए आपको पानी डालना होगा और स्पष्टता और ध्यान के लिए जगह बनानी होगी। रमन ने सोच समझकर सिर हिलाया और पानी बाहर डाल दिया। देखते ही देखते पानी बह गया और जार खाली और साफ हो गया। अचानक उसे अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ, मानो उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। अब अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास से भरें। एक सफल मानसिकता विकसित करें जो आपको जीवन की चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी, आदमी ने आगे कहा। नए दृढ़ संकल्प के साथ रमण उस व्यक्ति के शब्दों को अपने जीवन में लागू करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने खुद को प्रेरक पुस्तकों, प्रेरक उद्धरणों और गुरुओं से घिरा रखा, जिन्होंने उन्हें सितारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार रमन को खुद में बदलाव नजर आने लगा। उन्होंने अब असफलताओं को हतोत्साहित नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में देखा। जैसे जैसे रमन की मानसिकता बदली, वैसे वैसे उसकी परिस्थितियां भी बदली। उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। पदोन्नति के साथ साथ नए अवसर भी मिले, जिससे रमन को अपनी क्षमताओं और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिला। साल बीतते गए और रमन एक सफल उद्यमी बन गया था, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने नवीन विचारों और दृढ़ता के लिए जाना जाता था। लोग न केवल उनकी उपलब्धियों के लिए, बल्कि उस दयालु और विनम्र भावना के लिए भी उनका आदर करते थे जिसने उनका मार्गदर्शन किया। एक दिन जब रमन ने अपनी यात्रा पर विचार किया, तो उसे पार्क में बुजुर्ग व्यक्ति के बुद्धिमान शब्द याद आए। उन्होंने महसूस किया कि उनके मस्तिष्क से नकारात्मकता को खाली करना और उसे सकारात्मकता से भरना ही उनकी सफलता की कुंजी थी। रमन ने इसे आगे बढ़ाने और दूसरों को उनकी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने युवा सपने देखने वालों को सलाह देने के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया, जो उन्हें एक सफल मानसिकता की शक्ति और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का महत्व सिखाता था। और इस तरह रमन की कहानी मुंबई में एक किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को अपने दिमाग से संदेह और भय को खाली करने और एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो महानता की ओर ले गई। कहानी की नीति, रमन की यात्रा, हमें सिखाती है कि सफलता की शुरुआत दिमाग से होती है। अपने दिमाग से नकारात्मकता को खाली करके और उसे सकारात्मकता, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से भरकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। इसलिए एक सफल मानसिकता की शक्ति को अपनाएं और इसे महानता की राह पर आपका मार्गदर्शन करने दें। तो दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भिक्षु, सुंदर महिला और सफलता का मार्ग भारत के एक शांतिपूर्ण गांव में
रवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु रहता था। वह अपनी गहन बुद्धिमत्ता और लोगों को ज्ञानोदय की ओर मार्गदर्शन करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन माया नाम की एक अत्यंत सुंदर महिला गांव में आई। वह इस बारे में मार्गदर्शन चाह रही थी कि कैसे अपने दिमाग से नकारात्मकता को दूर किया जाए और एक सफल मानसिकता विकसित की जाए। माया की खोज के बारे में सुनकर ग्रामीणों ने उसे भिक्षु रवि के विनम्र निवास की ओर निर्देशित किया। उत्सुकतावश माया साधु के पास पहुंची और उससे सीखने की इच्छा व्यक्त की। साधु ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे अपने बगीचे में शांत कमल तालाब के पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। प्रिय माया, साधु ने कहना शुरू किया, अपने दिमाग को खाली करने और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उन बोझों को छोड़ना सीखना होगा जो तुम पर बोझ डालते हैं। इन शब्दों के साथ साधु ने माया को पानी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया और उसे अपने सिर के ऊपर रखने के लिए कहा। माया ने भिक्षु के निर्देशों का पालन किया। उसकी भुजाएं बर्तन के वजन से थक गईं। कुछ देर बाद साधु ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है प्रिय? माया ने उत्तर दिया, मुझे अपनी बाहों में तनाव और इस बर्तन को उठाने का बोझ महसूस हो रहा है। भिक्षु ने जानबूझकर सिर हिलाया और कहा, जैसे आप इस बर्तन के भौतिक भार को महसूस करते हैं, वैसे ही आपका दिमाग नकारात्मक विचारों और संदेहों का भार वहन करता है। अपने दिमाग को खाली करने के लिए आपको इन बोझों को छोड़ना सीखना होगा। इसके साथ ही उसने माया को बर्तन से पानी बाहर निकालने का इशारा किया। जैसे ही पानी नीचे गिरता गया और कमल के तालाब में मिल गया, भिक्षु ने आगे कहा, खालीपन का मतलब कुछ भी न होना नहीं है, बल्कि उस चीज को छोड़ना है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। केवल तभी आप सकारात्मक विचारों और एक सफल मानसिकता के लिए जगह बना सकते हैं जड़। भिक्षु के शब्दों से गहराई से प्रभावित होकर माया ने अपने जीवन और अपने दिल में उठाए बोझ पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह अतीत की शिकायतों और आत्मसंदेह को पकड़कर बैठी थी जो उसे सच्ची सफलता प्राप्त करने से रोक रही थी। नई स्पष्टता के साथ माया भिक्षु रवि द्वारा निर्देशित आत्म खोज की यात्रा पर निकल पड़ी। उसने वर्तमान क्षण को अपनाना, कृतज्ञता विकसित करना और सचेतनता का अभ्यास करना सीखा। धीरे धीरे लेकिन लगातार माया ने अपने दिमाग से नकारात्मकता को खाली कर दिया और इसे आशा, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से भर दिया। महीने बीत गए और माया का परिवर्तन उन सभी के सामने स्पष्ट हो गया जो उसे जानते थे। उसका एक समय धुंधला दिमाग अब स्पष्टता से चमक रहा था और उसके कदम उद्देश्य से भर गए थे। उसने अतीत को भुलाकर और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके सफलता का मार्ग अपनाया था। एक शांत शाम को जैसे ही गांव में सूरज डूबा, माया अपना आभार व्यक्त करने के लिए भिक्षु रवि के पास गई। अपनी आंखों में आंसू चमकाते हुए उसने कहा, प्रिय भिक्षु, आपने मुझे अपना दिमाग खाली करने और एक सफल मानसिकता विकसित करने का रास्ता दिखाया है। आपकी बुद्धिमत्ता ने हमेशा के लिए मेरा जीवन बदल दिया है। भिक्षु ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय माया, सफलता की सच्ची यात्रा स्वयं से शुरू होती है। अपने दिमाग से नकारात्मकता को खाली करके और सकारात्मकता को अपनाकर आपने अपने भीतर की असीमित क्षमता को खोल दिया है। याद रखें, सफलता की कुंजी जाने देने में निहित है और प्रत्येक नए दिन की सुंदरता को अपनाना। जैसे ही माया ने साधु और गांव से विदा ली, उसका हृदय कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प से भर गया। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है, जो अनंत संभावनाओं और उज्ज्वल भविष्य के वादे से भरी है, और इसलिए साधु, खूबसूरत महिला और सफलता की राह की कहानी पूरे गांव में गूंज उठी, जिसने इसे सुनने वाले सभी को अपने दिमाग से नकारात्मकता को खाली करने और एक सफल मानसिकता की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कहानी की नीति, सफलता की तलाश में अपने दिमाग से नकारात्मकता को खाली करना सीखें, अतीत के बोझ को त्यागें और सकारात्मकता को अपनाएं। केवल तभी आप एक सफल मानसिकता के पनपने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और आपको अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विकास की यात्रा, रमेश और किरण। दक्षिणी भारत के एक छोटे से गांव में दो युवा स्कूली मित्र रमेश और किरण सफलता की ओर एक उल्लेखनीय यात्रा पर निकले। रमेश एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति था,
जो हमेशा सीखने और अन्वेषण के लिए उत्सुक रहता था, जबकि किरण अधिक आरक्षित और व्यवस्थित थी, जिसमें कला और साहित्य के प्रति गहरा जुनून था। एक दिन जब वे स्कूल के बाद एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठे, रमेश ने एक सफल उद्यमी बनने के अपने सपने साझा किए, जबकि किरण ने एक प्रसिद्ध कवि बनने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। अपनी अलग अलग आकांक्षाओं के बावजूद वे दोनों सफलता और सार्थक जीवन की चाहत रखते थे। जब वे अपने सामने फैले विशाल मैदान को देख रहे थे, तो रमेश ने नए विचारों और अवसरों के लिए जगह बनाने के लिए अपने दिमाग को खाली करने के महत्व के बारे में बात की। उनका मानना था कि अव्यवस्थित दिमाग किसी के विकास में बाधा बन सकता है और सफलता का मार्ग अवरुद्ध कर सकता है। इस विचार से उत्सुक होकर किरण ने रमेश से पूछा कि कोई अपने दिमाग को कैसे खाली कर सकता है। रमेश मुस्कुराया और अपने गांव में पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि की कहानी, जो पास के एक पहाड़ के ऊपर रहता था। किंवदंती थी कि जो कोई भी आशी के ज्ञान की तलाश करता था, उसे सलाह का एक टुकड़ा दिया जाता था, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। मन को खाली करने का रहस्य जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर रमेश और किरण ऋषि से मिलने के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, बाधाओं और अनिश्चितताओं से भरा था, लेकिन उनकी दोस्ती और अटूट दृढ़ संकल्प ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः पर्वत के शिखर पर पहुंचे, जहां बुद्धिमान बूढ़े ऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक सौम्य मुस्कान के साथ ऋषि ने ज्ञान और समझ की उनकी खोज को सुना। मेरे प्यारे बच्चों, ऋषि ने शुरू किया, अपने दिमाग को खाली करने और एक सफल मानसिकता विकसित करने के लिए आपको सबसे पहले डर, संदेह और नकारात्मकता को दूर करना होगा। अज्ञात को गले लगाओ, क्योंकि अनिश्चितता की गहराई में ही सच्चा विकास होता है और परिवर्तन होता है। रमेश और किरण ने आशी के शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि सफलता की कुंजी अतीत को पकड़े रहने या भविष्य की चिंता करने में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने में निहित है। वे समझ गए कि अपने दिमागों को ध्यान भटकाने वाली चीजों और नकारात्मक विचारों से खाली करके वे रचनात्मकता, नवीनता और असीमित संभावनाओं के लिए जगह बना सकते हैं। नई स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ रमेश और किरण ने आर्षि को विदाई दी और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया। रास्ते में उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि और विचार साझा किए, एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और लचीलेपन और साहस के साथ चुनौतियों पर काबू पाने के लिए प्रेरित किया। साल बीतते गए और रमेश ने अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए अपने नवीन विचारों और निडर दृष्टिकोण का उपयोग करके एक सफल व्यवसाय शुरू करने का अपना सपना पूरा किया। किरण की कविता ने कई लोगों के दिलों को छू लिया, जिससे उन्हें एक प्रतिभाशाली शब्दकार के रूप में प्रशंसा और पहचान मिली, जिनके छंद गहरे ज्ञान और सुंदरता से गूंजते थे। अपनी दोस्ती और साझा यात्रा के माध्यम से रमेश और किरण ने सीखा कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक विकास और परिवर्तन से मापी जाती है, जो बदलाव को अपनाने, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और सकारात्मकता और संभावना की मानसिकता को पोषित करने से आती है। और इसलिए जीवन की जीवन टेपेस्ट्री में रमेश और किरण के रास्ते आपस में जुड़ गए, दोस्ती, लचीलेपन और सपनों की शाश्वत खोज की कहानी बुनते हुए। उनकी विरासत एक खाली दिमाग और एक सफल मानसिकता की शक्ति के प्रमाण के रूप में कायम है, वह नींव जिस पर महानता का निर्माण होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।